अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमती और बरकती से मिट रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए रिस्क से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रिस्क में बरकत दे, आपके खान का ज़ायका सलामत रखे, आपको तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दे, आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हफाजत फरमाए, हमारे फौजी जवान जो सरहदों पर हैं, जो मुल्क के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी भी हिफाजत फरमाए और हमें अपने अदारों के साथ, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ वफादार रहने की और मुखलिस रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। मैं बनाने लगी हूँ फ्राइड चिकन और ये मेरे पास तकरीबन एक किलो चिकन है, जो कि ये इस तरह रख चुके हैं और साथ में दो अंडे हैं मेरे पास। ये अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च मैंने पीस ली है। ये मेरे पास दो चम्मच मैदा है और ये एक लेमन है। चलो जब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अंडे तोड़ लेती हूँ। अंडे मैंने तोड़ के तो उनकी सब्जी निकाल लूँगी और सिर्फ मैंने मैं सफ़ेद ही इस्तेमाल करूँगी। हाँ जी, और मैंने ग्लव्स इसलिए उतार दिया कि मुझसे अंडा तो खैर ग्लव्स के साथ टूटा ही नहीं, क्योंकि मैंने इसमें दही नहीं इस्तेमाल करना। जी चना पहले हमने इसमें अंडा शामिल कर दिया। ये सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये दो चम्मच मैदा है, दो चम्मच अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। दो अंडे थे जिनकी मैंने जर्दी निकाल दी है और ये मैं इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से करें। मैंने ये हाफ चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और मैं इसको मिला लेती हूँ आपस में चीज़ें सारी। और ग्लव्स मैंने इसलिए पहना है कि सब्ज़ मिर्च जो है सुरख मिर्च की नस्बत जो सब्ज़ मिर्च है वो ज़्यादा हाथों पे चुपती है। बाकी बहन हम लोग बना रहे हैं, इसमें मैंने सुरख मिर्च वगैरह कुछ शामिल नहीं करी, बस मैं इसे एक लेमन का जूस इस्तेमाल करूँगी इसमें। और बाकी जो फिर लेमन होंगे वो मैं जब हम लोग फ्राई कर लेंगे फिर करेंगे। बाकी ये फ्राई के लिए तेल की भी ज़रूरत होगी, मैरिनेट करने के लिए कम से कम मैरिनेट करने के टाइम जो है वो 8 घंटे होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको रख लूँगी तो तकरीबन 5-6 घंटे बाद मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। हाँ, अब मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी। मिनट हो गया है, अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। गरम कर आपने देखा कि मैंने इसमें अंडा इस्तेमाल किया था और मैदा किया है, सब्ज मिर्च है, सुरख मिर्च मैंने नहीं की थी। बहुत सॉफ्ट बनेगा। ये है कि मैरिनेशन के लिए टाइम चाहिए। जी व्यूअर्स, हमारा चिकन तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर है। और आप हमारी रेसिपी को फॉलो करें, आप इसे बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं।
बाकी आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें। फिर आखिर में वही दुआ है कि हम अपने प्यारे पाकिस्तान के साथ और अपने इदारों के साथ मुखलिस रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुखलिस रहने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।